मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटू सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कॉमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, जो चैनल है मेरा, ये स्पेशली MEd, BEd, BTC क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट CTET, TET और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशन के हर टॉपिक को कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बच्चों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या विशिष्ट बच्चों के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या था, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स इन बच्चों की क्या होती हैं, उन सबको डिस्कस किया। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो विशिष्ट बच्चों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, फिजिकली एक्सेप्शनल यानी कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बच्चे, मेंटली एक्सेप्शनल बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बच्चे, सोशली एक्सेप्शनल यानी कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बच्चे, एजुकेशनली एक्सेप्शनल और शैक्षिक रूप से विशिष्ट बच्चे। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, मेंटली एक्सेप्शनल की कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे आते हैं, सोशली एक्सेप्शनल बच्चे किस तरह के होते हैं और एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। इनमें सबसे नंबर वन हमारे पास है सेंसरी डिसेबल यानी कि जो इंद्रिय बाधित बच्चे होते हैं, मोटर डिसेबल जिनके अंगों में कुछ प्रॉब्लम होती है यानी कि आंगिक रूप से बाधित बच्चे, मल्टीपल डिसेबल यानी कि बहुबाधित, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ का वो शिकार हैं। सेंसरी डिसेबल इसको आगे कैटेगराइज किया गया है हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि हियरिंग जो स्वर्ण बाधिता से ग्रसित हैं और विजुअली जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि स्वर्ण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है और जिनको बोलने और भाषा में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने और समझने में भी परेशानी होती है क्योंकि ये सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। लेकिन सभी बच्चों की स्वर्ण बाधिता की क्षमता एक जैसी नहीं होती। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं, वे अन्य बालकों की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इस प्रकार जो है स्वर्ण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या वो बिल्कुल नहीं सुन पाते, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बहरे होते हैं, उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। नंबर टू है विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टि बाधित बालक। देखिए, दृष्टि बाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। तो कुछ दृष्टि बाधित बालक ऐसे होते हैं जो मोटे छापे की पुस्तक या जो भी पठन सामग्री उसको पढ़ने में समर्थ होते हैं, ऐसी परिस्थिति में वे कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे जो है गंभीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं, उनमें जो है देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। नंबर टू मोटर डिसेबल यानी कि जिनके अंगों में कुछ प्रॉब्लम होती है, आंगिक बाधिता वाले बच्चे। इनमें जो है दो तरह के बच्चे आते हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड और क्रिपल्ड यानी कि अस्थि बाधित, और एक क्रिपल्ड मीन्स अपंगता जिसको हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल ही अपंग होते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चे कौन से होते हैं यानी कि अस्थि बाधित बालक कौन से होते हैं। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड यानी कि अस्थि बाधित बालक वो होते हैं जिनके अस्थियों में कुछ बाधिता होती है। तो ऐसे बालकों के शरीर की विभिन्न अस्थियाँ ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। अस्थि बाधिता का अर्थ है अस्थियों के जोड़ों या शरीर की मांसपेशियों के ठीक प्रकार से कार्य न करने की क्षमता है। तो कुछ परिस्थितियों में तो इस प्रकार की बाधिता इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है कि ऐसे बच्चों को चलने फिरने के लिए कृत्रिम यानी कि जो बनावटी हाथ या पैर होते हैं उनकी आवश्यकता होती है या उन्हें व्हीलचेयर आदि की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, मोटर डिसेबल में सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है क्रिपल्ड
यानी कि अपंगता। ये अपंगता जो है शारीरिक रूप से बहुत अधिक गंभीर होती है और बालक को इसके लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट यानी कि दिमाग की अपंगता जिसको हम कह सकते हैं, डिफॉर्मिटी ड्यू टू डिजीज एंड एक्सीडेंट, दिमाग की दुर्घटना के कारण जो कुरूपता आ जाती है, या मस्कुलर स्केल्टन प्रॉब्लम, मांसपेशियों में कोई समस्या आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं क्रिपल्ड के अंतर्गत। नंबर 3, मल्टीपल डिसेबल यानी कि बहुबाधित बालक। बहुबाधितता का मतलब है कि बालक में एक से अधिक बाधिताओं का होना। उदाहरण के लिए जैसे अगर एक बालक दृष्टि बाधित है, वो श्रवण बाधित भी हो सकता है, अस्थि बाधित भी हो सकता है, मानसिक मंदित या वाणी बाधित भी हो सकता है, यानी कि उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबल। सेकंड आता है हमारे पास मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सबसे पहले हमने किया फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब हम करेंगे मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि मानसिक रूप से जो विशिष्ट बच्चे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आता है गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली, क्रिएटिव सृजनशील बालक, और मेंटली रिटार्डेड। ये तीन तरह के बालक जो है मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरीज में आते हैं। तो आइए इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली। देखिए संसार के सभी देशों में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें जो है बौद्धिक और सामाजिक योग्यताएं होती हैं। तो जिन बालकों में ये विशिष्ट स्पेशल एबिलिटीज होती हैं हम उन्हें कहते हैं वो गिफ्टेड है, स्पेशल है, उनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है। देखिए ऐसे बालक प्राय देश के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार और शिक्षक आदि हो सकते हैं, और अपनी विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर वह देश को नई दिशा प्रदान करते हैं। और इन बच्चों का जो है IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, उनका जो है शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुण, उनकी जो रुचियाँ, अचीवमेंट्स भी जो है सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। नंबर 2 है क्रिएटिव यानी कि सृजनशील बालक। तो क्रिएट का अर्थ है सृजन करना, बनाना, पैदा करना। तो क्रिएटिविटी का अर्थ है कि विचारों में नए संबंध देखना। तो विद्यालय में कभी कभी अध्यापक ऐसे बच्चों के संपर्क में आते हैं जो कार्य को एक नया रूप देकर नई विधि से पूरा करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे बालकों के द्वारा जो विधियाँ अपनाई जाती हैं वो उनके मस्तिष्क की नई खोज होती है, यानी कि उनकी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नवीनता होती है, मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी होती है। तो क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वो डाइवर्ज होकर किसी काम को करते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं वो। नंबर 3 है मेंटली रिटार्डेड यानी कि मानसिक मंदित बालक। देखिए मानसिक मंदित बालक क्या होते हैं, जो बालक बुद्धि की दृष्टि से सामान्य बच्चों से कम होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको मानसिक रूप से पिछड़ा कह सकते हैं, या मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं, या मानसिक विकलांग या मानसिक मंदन आदि शब्दों का इनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है 75 या इससे भी कम होता है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है EMR, EMR का मतलब एजुकेशनली मेंटली रिटार्डेड यानी कि उनको कुछ एजुकेशन दी जा सकती है इस तरह के बच्चों के। एक होते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जिनको एजुकेशन नहीं दी जा सकती, वो एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नंबर 3 है सोशली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं। तो इस कैटेगरी में किस तरह के बच्चे आते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है डिप्रूव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बच्चे, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन, कुसमायोजित बच्चे, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन समस्यात्मक बच्चे, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन बाल अपराधी बच्चे, और इमोशनली डिस्टर्ब यानी कि संवेगात्मक रूप से जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रूव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बालक। वंचन का तात्पर्य है जब किसी बालक को समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके और उनसे उसे वंचित रहना पड़े, तब वह होता है वंचित बालक। यानी कि उसको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनल नीड्स जो उसकी होती हैं वो अगर पूरी नहीं होते, उनसे उनको वंचित रहना पड़ता है, तो वो होता है वंचित बालक यानी कि उसको बिल्कुल वंचित कर दिया गया है, वो डिप्रूव्ड चिल्ड्रन की कैटेगरीज में आते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर जो है पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वे अनेक प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं, और इन सुविधाओं के अभाव में उनका जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उनके विकास में जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।
नंबर टू है मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन यानी कि कुसमायोजित बच्चे। देखिए कुसमायोजन का तात्पर्य है वे बालक जो समायोजन करने में, जो एडजस्टमेंट करने में असफल रहते हैं, जैसे अपराधी है, समाज विरोधी है या आक्रामक व्यवहार हैं, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर हैं। तो सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक वे होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं के कारण प्राय कुसमायोजित हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो इकोनॉमिकली वो डिस्टर्ब हैं या एजुकेशनल प्रॉब्लम उनको आ रहा है या समाज से उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इसके कारण वो कुसमायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते। और वो इस तरह के जो बच्चे होते हैं किसी के साथ भी जल्दी से समायोजित नहीं हो पाते हैं, वो जल्दी से किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन यानी कि समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो अपने सामान्य व्यवहार, नियमों और मान्यताएं जो समाज ने बना रखी है उनको अस्वीकार करते हैं, या जो व्यवहारगत नियमों का उल्लंघन कर समाज, विद्यालय और परिवार में समस्या उत्पन्न करते हैं। समुचित व्यवहार न सीखने के कारण ऐसे बालक जो है अपने व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाते, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व संबंधी विकार उनमें पैदा हो जाते हैं। और ये विकार भी व्यवहारगत ही होते हैं, यानी कि उनके बिहेवियर में जो है ये इस तरह के जो विकार हैं वो दिखाई देते हैं। तो अतः वे बालक जो व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी दोषों के कारण समस्या उत्पन्न करते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, यानी कि जिनके व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होते हैं। यानी कि प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन आर दोज हुज बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इज सीरियसली अबनॉर्मल, यानी कि जिनका बिहेवियर और पर्सनैलिटी बिल्कुल अबनॉर्मल होता है वो आते हैं प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस की कैटेगरी में। नंबर फोर, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन यानी कि अपराधी बालक। देखिए अपराधी बालक कौन होते हैं। देखिए प्रत्येक बच्चा या व्यक्ति को संतुलित और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए तीन प्रकार से संतुलित और स्वस्थ रहना पड़ता है। कौन कौन से? नंबर वन है फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, सेकंड है मेंटली मानसिक रूप से, थर्ड है सोशली यानी कि सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अच्छी शिक्षा और उपयुक्त पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण की आवश्यकता होती है। और सामाजिक रूप से स्वस्थ कब होगा, जब वह समाज के नियमों, परंपराओं, मर्यादाओं के अनुकूल चलने की आवश्यकता होती है। तो जब कोई समाज विरोधी व्यवहार यानी कि एंटी सोशल बिहेवियर करता है तो इस व्यवहार को अपराध, और जब बालक इस व्यवहार को करता है तो उसे हम डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन या बाल अपराधी बालक कहते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। तो वो बच्चे जो है डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर फाइव, इमोशनली डिस्टर्ब यानी कि संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक। देखिए या हम कह सकते हैं संवेगात्मक रूप से पिछड़ा बालक, इमोशनली बैकवर्ड चाइल्ड, या इमोशनली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, या हम कह सकते हैं इमोशनली टर्बल्ड चाइल्ड यानी कि संवेगात्मक रूप से पिछड़ा, संवेगात्मक रूप से विकलांग, या संवेगात्मक रूप से परेशान, आदि शब्दों का प्रयोग, आदि विशेषणों का प्रयोग हम कहेंगे कि इन संवेगात्मक रूप से अशांत रहने वाले बच्चों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के बालकों को शिक्षण संस्थाओं में सामान्य समस्या बालक के रूप में समझा जाता है, यानी कि वो जो बच्चे होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड होता है वो सामान्य बालक की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के कारण यानी कि आंतरिक तनाव के कारण इन बच्चों के मन में घुटन, भय, चिंता, व्याग्रता, व्याकुलता आदि पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे का व्यवहार उत्तेजित रहता है। तो ऐसे बालकों को प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग आदि की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की हीन भावना पैदा ना हो, वे अपने आप को बहिष्कृत ना समझें। नंबर फोर, एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि शैक्षिक रूप से विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास तीन तरह के बच्चे आते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड, एजुकेशनली ब्राइट और लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कौन से होते हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक वह कहलाता है जो कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा मंद रहता है और लिखने, पढ़ने, समझने में वो अन्य बच्चों से अपने आप को पीछे मानता है। देखिए प्रत्येक कक्षा में दो चार ऐसे बालक होते हैं जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती,
वे पढ़ाई के प्रति लापरवाह होते हैं और लगातार एक ही कक्षा में कई कई साल लगा देते हैं, या एक विशेष विषय को, जैसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसको वो पास नहीं कर पाते। तो इस तरह के बच्चे जो हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े कहलाते हैं, इनके एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, तो उनको भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। नंबर टू है एजुकेशनली ब्राइट, यानी कि शैक्षिक रूप से ब्राइट जो बच्चे होते हैं, वो ये जो शब्द है एजुकेशनली बैकवर्ड का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा जो बच्चा होता है उसका बिल्कुल ही विपरीत है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका एजुकेशनल अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छा होता है, वे अपनी कक्षा में बहुत अच्छे होते हैं, इनका आईक्यू लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। नंबर थ्री, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि अधिगम असमर्थी बालक। देखिए, ये बालक बुद्धि के कार्यों में अन्य बालकों के समान होते हैं। ऐसे बालक मानसिक मंदित नहीं होते और प्रत्येक विद्यालय या प्रत्येक कक्षा में अधिगम असमर्थी बालक होते हैं। इस तरह के बालक जो है सामान्य बालकों के समान पाठ्यक्रम को समझने में, महसूस करने में, लिखने में या पढ़ने में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि वो इस तरह का काम करने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, डिसेबल होते हैं। जैसे उनको रीडिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, अगर कोई बच्चा जैसे अमरूद को अमरूद पढ़ता है, या राइटिंग डिसेबिलिटी उनको हो सकती है, या लर्निंग से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी उनको होती है। तो इस तरह के बच्चों को सामूहिक रूप से बार बार दोहराने या कुछ इंस्ट्रक्शन देना या कुछ दिखाकर या उनको कुछ क्रियात्मक प्रशिक्षण आदि देकर इस तरह के बच्चों में सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा।